मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक योजना है हर घर नल का जल, और इस योजना को लेकर के आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से कहीं टंकी टूट जाती है तो कहीं नल में पानी नहीं है, कहीं मोटर जल गया है। इन सारी जो आपदाएं या कुव्यवस्थाएं हैं इन सब को लेकर के आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया है कि इस बार अगली गर्मी आने तक सारी व्यवस्थाओं को हम दुरुस्त करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री नीरज कुमार बबलू, आइए सुनते हैं। पहले काम हुआ था उस काम को अब हम लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें लगभग 70,157 जलापूर्ति योजना है और इसके लिए हम लोगों को लगभग 3,611.45 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है और उस योजना को अब हम लोग मुस्तैदी से करेंगे। पहले जो हल्का फल्का शिकायत आया करता था, जो पंचायती राज के द्वारा किया गया था, उसी को अब दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह फुल फ्लेजेज हम लोगों को मिल गया है और फंड भी अलॉट हो गया है। जो तीन साल के अंदर मिलेगा वो अलग से आंकड़ा है, हम आपको लिखित में दे देंगे। तो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि अब जो नल जल की शिकायत है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुँचे, वो हम लोग अविलंब पहुंचा पाएंगे, उस काम को हम लोग अविलंब दुरुस्त कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि 6 महीना के अंदर हम लोग सारा काम शुरू करा देंगे। 6 महीने में लोगों को पानी मिलने लगेगा। अविलंब हम लोग इसको निविदा का प्रक्रिया करने जा रहे हैं, एस्टिमेट बनेगा, निविदा का प्रक्रिया हो जाएगा और उसके बाद हमारे सेक्रेटरी साहब, और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है हम लोग इसको काम शुरू करा करके हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में पानी पहुंचाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, इसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। इसके साथ एक और है, जो पहले मिनी जलापूर्ति योजना हुआ करता था, जो सोलर सिस्टम से चलता था और कहीं कहीं बिजली से भी चलता था, तो उसमें भी गड़बड़ी आ गई, उसका मेंटेनेंस पीरियड ख़त्म हो गया है। उसको भी नए सिरे से हम लोग मेंटेन करने जा रहे हैं, उसको जो माइनर रिपेयर है उसका माइनर रिपेयर करके और उस योजना को भी हम लोग पूरी तरह 100% चालू करने वाले हैं। उसको भी चालू करके और जहाँ पानी मुहैया करने की आवश्यकता है हम लोग वहाँ पानी मुहैया कराएंगे, कहीं कोई कठिनाई अब नहीं रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है, विभाग के लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि 6 महीना 8 महीने में हर जगह पानी हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। अभी तक छूटा है, जो काम नहीं हुआ है उसका भी टेंडर में चला गया है, टेंडर में डे बाय डे जा रहा है। आप देखे हुइएगा पिछले दिनों हम लोगों ने एक बार में 800 कुछ करोड़ का टेंडर रद्द किया, फिर 3600 करोड़ का टेंडर रद्द किया, तो वो सारा टेंडर प्रोसेस में है। 800 कुछ करोड़ का निकल चुका है, बाकी भी टेंडर में जा रहा है, कुछ और चला जाएगा। तो अविलंब जो भी छूटे हुए जगह हैं, तमाम छूटे हुए जगह को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं, सबका टेंडर में जा रहा है। जैसे ही टेंडर का प्रक्रिया फाइनल होगा काम शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है कि अगले गर्मी में, जब अब तो गर्मी निकल रहा है, जब अगले गर्मी में जब पानी की क्राइसिस होगी तो मुझे लगता है कि हर टोले मोहल्ले में पानी की आपूर्ति कर दी जाएगी। सर, बहुत से जगह पे जो गांव में है मोटर जल जाता है, महीना महीना दिन वो रिपेयर नहीं होता है, गांव के लोगों से 30 रुपया प्रधान जो है वहां के चार्ज करते हैं, गांव के लोग देना नहीं चाहते, तो क्या मोटर जल जाएगा, ऐसी कुछ ये होगी? तो हम लोग सारे सिस्टम को अपडेट करने जा रहे हैं, जैसे मोटर जलेगा जहां भी कोई गड़बड़ी होगी अविलंब हम लोगों को सूचना मिलेगा और सूचना मिलते ही हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर हर हाल में हम लोग उसको रिपेयर करेंगे। और एक उसमें कार्य योजना बनाया गया है, स्पेयर मोटर का है ना, इसमें हम लोग जहाँ भी हमारा लगा हुआ संयंत्र वहाँ हम लोग मोटर जलने की जो शिकायत है उसके दृष्टिकोण से स्पेयर मोटर वहाँ रखवाने जा रहे हैं। जैसे ही जलेगा तो दूसरा मोटर वहाँ स्पेयर रहेगा, उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, फिर पहले वाले का रिपेयर करके उसको भी फिर वहाँ एक एडिशनल स्पेयर रखा रहेगा ताकि अविलंब हम लोग बदल दें, पानी का समस्या ना हो। और कई जगह नए हम लोग प्रोजेक्ट में हम लोग इसको ऑटोमेटिक सिस्टम भी करने जा रहे हैं कि पानी अपने जाए, लाइन कटने की समस्या को दूर करते हुए हम लोग सोलर सिस्टम भी लगाने जाएंगे। आगे हम लोग जो पंचायती राज से आया है उसमें प्रयास करेंगे कि हम लोग सोलर सिस्टम लगा दें, सोलर लग जाएगा तो ये लाइन कटने का, ट्रांसफार्मर जलने का, तार टूटने का ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी का भी सोच है कि हम लोग सोलर सिस्टम को बढ़ावा दें, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सोलर का भी हम लोग उपयोग करेंगे। महीना
मुझे कि नल जल में बहुत शिकायत आ रही है जगह जगह से, चाहे टेंडर को लेके, रख रखाव को लेके, मेंटेनेंस को लेके और गड़बड़ी को लेके, इसको कैसे टैकल करें? देखिए, हम ये मानते हैं कि शिकायतें आते रही है, हम लोग भी पिछले 20 साल से विधायक हैं और ये समस्या सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे शिकायत को दूर करते हुए जितना जल्द से जल्द हो सकता है हम लोग सारा शिकायत दूर करेंगे। कहाँ शिकायत है हम लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, जहाँ छोटी मोटी गड़बड़ी है सबको दुरुस्त करा देंगे। जो पंचायती राज का गड़बड़ी था वो अब हमारे हाथ में आ गया है, तो हम लोग जितना जल्दी हो सकता है अविलंब इस पर काम करेंगे और जल्द से जल्द ठीक करके सारे शिकायत को दूर करने का प्रयास करेंगे। किस लेवल पे वार्डों में काम हुआ, वार्ड सदस्य के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से? नहीं, अब किसी के माध्यम से काम नहीं होगा, विभाग अपने माध्यम से काम करेगी। पहले मुखिया के माध्यम से, पंचायती राज वाला जो अभी आया है उन लोगों के माध्यम से काम हुआ था। हम लोग वार्ड सदस्य को मॉनिटरिंग जरूर उसका देने जा रहे हैं, वार्ड सदस्य ही उसको मॉनिटर करेंगे, वार्ड सदस्य ही जो नॉमिनल चार्जेज हैं वो वही असूल के जमा करेंगे और उसका फिर कैसे बंटवारा होता है मैंने आपको दिया है लिख करके, तो वो सिस्टम वही रहेगा देख रेख का, लेकिन काम विभाग करेगी और बेहतर काम करके विभाग अपने हिसाब से मॉनिटर कराएगी और चलाने का जिम्मा वार्ड सदस्य को रहेगा, जो पंचायती राज से आया वही लोग उसको मॉनिटर करेंगे, वही लोग चलवाएंगे। तो आपने सुना, नीरज बबलू ने कहा है कि इस बार जो भी कुव्यवस्थाएं हुई या आज तक जो जिस पूरे बिहार के जिस शहर, जिस गांव, जिस टोले में नल का जल नहीं पहुंचा है वो अब एक साल के अंदर पहुंच जाएगा। और उसमें एक सवाल ये भी था कि मोटर जल जाने की जो व्यवस्था कुव्यवस्थाएं लगी रहती थी, बहाना बनाया करता था, अब उन्होंने कहा है कि सरकार नीतीश कुमार का एक सोच है कि जितने भी टंकियां हैं उस सब पर सोलर सिस्टम की व्यवस्था की जाए ताकि बिजली की तार टूटे या ट्रांसफार्मर जले, इनसे कोई लेना देना नहीं है, और स्पेयर एक्स्ट्रा मोटर लगाने की व्यवस्था करने की मंत्री ने बात किया है। केबीसी न्यूज़ के लिए पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट।